हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि थोड़ा रेंज बाउंड एक्सपायरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बोरिंग एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और मैंने आपको रेंज भी बताया था 10,000 से लेकर 9,800, अगर आपको याद है। मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और ये एक सपोर्ट एरिया है 9,800, करेक्ट। मार्केट अगर आप देखें 130 तक मार्केट हमारी रेंज में ही था, लेकिन उसके बाद 2 बजे के बाद इसमें एक सडनली स्पाइक आया, जिसमें 100 पॉइंट का अपमूव आ गया 10,900 तक। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, अगर 1.5-2 बजे के आसपास लेट से मेरी रेंज के बाहर जा रहा है, तो रेंज का जो आउटसाइड का लेवल है, लेट से यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं स्टॉप लॉस लेकर स्ट्रैटेजी एग्जिट कर देता हूँ। सो एक्सपायरी स्ट्रैटेजी में मैंने स्टॉप लॉस लेकर एग्जिट कर दिया, एक मिनिमम लॉस था उसमें। बैंक निफ्टी में भी सेम ऐसे ही हुआ, 20,600 जैसे ही क्रॉस किया मैंने स्ट्रैटेजी, एक्सपायरी स्ट्रैटेजी जो था उसको रफ कर दिया। अब देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में नेक्स्ट डे के लिए, अपकमिंग सेशन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और कहाँ जा सकता है निफ्टी। सो अगर आप देखिए, एक सिंपल ट्रेंड लाइन मैंने बनाया हुआ, और ये ट्रेंड लाइन इसने आज ब्रेकआउट किया है, एंड यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी है अगर आप देखो। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से रेंज ब्रेकआउट आया है निफ्टी में। अब मुझे लगता है यहाँ से इमीडिएटली टारगेट 10,150 और 10,300, ये दो पॉसिबल टारगेट्स आते हैं। तो अगर कोई भी डिप मिलता है तो आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी है, कोई भी डिप मिलता है तो आपको बाइंग की तरफ ज्यादा फोकस करना है, बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, और 10,150 और 10,300 ये पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं आने वाले दिनों में। तो अभी मेरा व्यू जो है निफ्टी में वो बुलिश है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखिए, बैंक निफ्टी थोड़ा मुझे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस करता हुआ लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप देखिए ऑलमोस्ट 21,000 के आसपास क्लोजिंग दिया है, एंड बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में पॉसिबल टारगेट्स आते हैं 22,000 एंड 22,700। सो ये पॉसिबल टारगेट्स है बैंक निफ्टी में। सो कोई भी डिप मिलता है डेफिनेटली काफी अच्छा बाय रहेगा फॉर अ पोजिशनल टारगेट्स ऑफ 22,000 एंड 22,700। सो अगर आपको कल भी इंट्राडे में भी अगर कोई भी डिप मिलता है, तो इंट्राडे में आपको बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में मेरा व्यू बुलिश है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको एसएल टेक्नोलॉजी सेल बताया था, इसमें सेल ट्रिगर हुआ और सेल ट्रिगर होने के बाद इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। तो एसएल टेक्नोलॉजी स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, माइंडट्री में ट्रेड स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, दो स्टॉप लॉसेज हुए हैं, एंड M&M में हमें एंट्री नहीं मिला क्योंकि 492 के नीचे सेल था, 492 का रेट आया नहीं, 492 के नीचे सेल था और इसने ओपनिंग कैंडल में लो जो स्पाइक लो होता है उसमें बनाया है लो, तो एक्चुअली 492 का प्राइस आया नहीं है। तो M&M में हमारा कोई ट्रेड हुआ नहीं, HCL एंड माइंडट्री में छोटे छोटे स्टॉप लॉसेज हुए इंट्राडे में, तो ये दो ट्रेड स्टॉप लॉसेज हुए हैं। मेरे चैनल पर आपको जो है स्टॉप लॉसेज टारगेट एकदम क्लियर मिलेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉसेज वाले ट्रेड्स हाइड करूंगा, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, जो है ओपन है। HCL टेक्नोलॉजी एंड माइंडट्री, ये दोनों मैंने ट्रेड दिए थे, दोनों में इंट्राडे जो ट्रेड्स थे उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स नेक्स्ट सेशन के लिए, कौन से स्टॉक्स में ज्यादा ध्यान देना है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको लास्ट दो वीडियो में बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज बाय दिया था 1150 के आसपास। मैंने आपको बोला भी था कि काफी अच्छा बाय है, इसमें 1250 के टारगेट दिए थे, 1150 से 1220 अगर आप देख सकते हो 70 रुपीज का एक पोजिशनल बड़ा मूव हमें मिला है इसमें। अगर आप मेरा 17 तारीख का वीडियो देखो, तो मैंने उसमें एक ट्रेड दिया था मुथूट फाइनेंस बाय, आप देख सकते हो ये 17 जून का वीडियो है, तो मुथूट फाइनेंस मैंने बाय दिया था, जब भी प्राइस था 980, ठीक है, एंड आज प्राइस है 1175, आप देख सकते हो आज 18 जून है, 15% का इसमें एक ही दिन में अपमूव मिला है, और ये पोजिशनल मैंने बोला भी था, आप वीडियो देख सकते हो कि पोजिशनल इसमें ट्रेड्स हैं और स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में था ये। आप ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या लॉजिक से बाय दिया था मुथूट फाइनेंस, पर इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैसा बना, 15% 16% का एक स्ट्रॉन्ग अपमूव मिला एक ही दिन में। सो ये पोजिशनल ट्रेड जो है इसमें काफी अच्छा पैसा बन रहा है, इंट्राडे में भी काफी अच्छा पैसा बन रहा है, लेकिन लास्ट वीडियो में दो स्टॉप लॉसेस हुए हैं। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला स्टॉक होगा अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी स्ट्रक्चर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है एंड ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अ ब्रेकआउट है, ऑलमोस्ट आप देख सकते हो। अगर ये 685-680 के लेवल्स क्रॉस कर लेता है, ये जो गैप रेजिस्टेंस है ये क्रॉस कर लेता है, ये गैप रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे अटका हुआ है, अगर ये गैप रेजिस्टेंस ये क्रॉस कर लेता है 685 का लेवल,
तो इसमें स्ट्रेट अवे 720 740 तक के लेवल इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो अमर राजा काफी अच्छा बाय ट्रेड रहेगा, कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड नेक्स्ट स्टॉक होगा अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट भी मुझे स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है, अगर आप देखो ये भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ही है और यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस जरूर है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है छोटा सा, यहाँ पर रेजिस्टेंस के आसपास अटक रहा है, बट मुझे लगता है ये 350 जैसे ही क्रॉस करेगा इसमें एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो अदानी पोर्ट भी काफी अच्छा बाय ट्रेड रहेगा, कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड लास्ट स्टॉक होगा लुपिन। लुपिन का स्ट्रक्चर अगर आप देखो कंप्लीटली एक अपवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा है, रेंज माउंड है, रेंज के हाई साइड ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है इसमें एक 880 तक का एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो 30-40 रुपए के लिए हम इसमें प्ले कर सकते हैं। सो लुपिन एक काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के सेशन के लिए। अगर आपको वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।